एक बार फिर से अमेजिंग कंपैरिजन में आप सभी का स्वागत है। तीन बैंड्स का आज हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे एमआई का बैंड 6 है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एच टू एच डिस्प्ले के साथ आता है। वन प्लस का बैंड है एक जो 1.1 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है, एमोलेड डिस्प्ले इसमें भी यूज़ करी गई है। और रेडमी का बैंड प्रो ये भी आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, इसकी भी डिस्प्ले आपको बड़ी मिल जाती है। बट सबसे बड़ी डिस्प्ले इस टाइम आपको मिलती है एमआई के बैंड 6 में। तो देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है तीनों ही बैंड्स में, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग रील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे बैंड 6 में सबसे बड़ी डिस्प्ले मिलती है आपको, रेस्ट टू वेक ऑलवेज ऑन का फीचर मिल जाता है। और रेडमी बैंड प्रो में आपको 1.47 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और वन प्लस के बैंड में 1.1 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है। पिक्सल साइज एक्जैक्टली बताया नहीं है बट यहाँ पे रेस्ट टू वेक अवेलेबल हो जाता है। ऑलवेज ऑन का फीचर एक्जैक्टली नहीं है वन प्लस के बैंड में। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है, और शार्पनेस यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों की किस तरीके से मिलती है। वन प्लस में सबसे कम मिलती है बट रेडमी और एमआई के बैंड में एक्जैक्टली सिमिलरली देखने को मिलती है। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है। और पीक ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बैंड 6 में आपको पीक ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा मिलती है, वन प्लस में सबसे लीस्ट मिलती है, और रेडमी में इन बिटवीन आपको वन प्लस एंड बैंड 6 के मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में अच्छा काम किया गया तीनों ही बैंड्स में, बट आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वन प्लस का जो बैंड है 1500 रुपये का मिल जाता है कभी कभी सेल पे, वैसे 1999 रुपीज़ की वैल्यू रहती है। और रेडमी का जो बैंड प्रो है वो मेरे ख्याल से 3500 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकता है। और एमआई बैंड 6 तो आपको 3500 रुपीज़ में मिल जाता है। वैसे अगर लो प्राइस में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर वॉच फेस की बात करें तो क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप तीनों में लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा पाओगे। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यस, आपने सही सुना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, वॉच फेस भी आप लगा सकते हो तीनों में ही अपने मूड के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग की। तो बैंड 6 में आपको 30 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, और रेडमी के बैंड प्रो में आपको 110 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जो कि बैंड में अभी तक अवेलेबल नहीं थे किसी बैंड में। तो रेडमी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, यहाँ पे बहुत आगे निकल चुका है यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ में। 5 ATM वाटरप्रूफ है सेकंड थिंग, तो 50 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक सबमर्ज कर सकते हो। तीनों ही बैंड्स आपके 5 ATM वाटरप्रूफ मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है रेडमी का बैंड प्रो, फिर आता है एमआई का बैंड 6, देन लास्ट में आता है वन प्लस का बैंड। यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल तीनों का ही अच्छा है, ज़्यादा एक्यूरेट आपको रेडमी बैंड प्रो में मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी पे ध्यान रखा गया है। सेकंडली आपको बैंड 6 मिल जाता है, लास्टली आपको वन प्लस का मिल जाता है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है तीनों में ही देखने को मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर इंक्लूडिंग एसपीक्यू लेवल मॉनिटर। बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप तीनों में ही रिसीव कर पाओगे, रिप्लाई बैक ऑप्शन आपको तीनों में से किसी में नहीं मिलता, बट यहाँ पे फुल टच पैनल जरूर है तीनों ही बैंड्स में। और यहाँ पे जो अलार्म क्लॉक स्टॉप वॉच जो फीचर्स है, मेन फीचर्स अलार्म क्लॉक स्टॉप वॉच काउंटर टाइमर वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी आपको तीनों ही बैंड्स में। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 मिल जाता है तीनों में ही। उसी के साथ साथ एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे तीनों ही बैंड्स को। और फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है तीनों ही बैंड्स में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स में इक्वल एंड बेटर काम किया गया तीनों ही बैंड्स के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर कहीं ना कहीं सबसे बेटर मेरे ख्याल से है यहाँ पे रेडमी का जो है रेडमी बैंड प्रो, और फ्री RTOS UI यूज़ किया गया है रेडमी के बैंड में। OnePlus में OnePlus कस्टम UI यूज़ किया गया, बैंड 6 में MI का यूज़ किया गया। नो बटन कंट्रोल मिलता है तीनों में ही, बटन कंट्रोल नहीं मिलता, और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब गेस्चर का ही आप यूज़ करोगे अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स का एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम अगर बैटरी बैकअप की बात मैं करूँ तो यहाँ पे 2 घंटे तीनों ही बैंड्स ले लेते हैं, मतलब 1 घंटा 5 मिनट कोई बैंड थोड़ा सा फास्ट चार्ज करता है, कोई बैंड स्लो चार्ज करता है, तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 15 से 18 वॉट के चार्जर से चार्ज करें, 30 वॉट या 35 वॉट या 50 वॉट के चार्जर से ना चार्ज करें, इफेक्ट पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म बैटरी खराब हो सकती है। सबसे ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी आपकी एमआई के बैंड 6 में 180 mAh, और उसके बाद है आपका वन प्लस के बैंड में 150 mAh, वो भी एक्सपेक्टेड है। एक्जैक्टली आई डोंट नो, अगर आपको पता हो तो मैं अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। रेडमी बैंड प्रो में 110 mAh हो सकती है, 14 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया तीनों ही बैंड्स में। उसी के साथ साथ मैग्नेटिकली चार्ज हो जाते हैं तीनों ही बैंड्स। एक्चुअली यूजर्स की बात करें तो सारे सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको 8 दिन का सबसे ज़्यादा रन टाइम मिलेगा रेडमी के बैंड प्रो में, सबसे कम मिलेगा आपको, सबसे कम तो नहीं, वहाँ पे सिमिलर ही है वन प्लस के और बैंड 6 में, एमआई के बैंड 6 में। और सारे सारे नोटिफिकेशन ऑन करके आपको 2 से 3 दिन का इजली बैटरी का मिल जाएगा दोनों में ही, और रेडमी में आपको 5 दिन का मिल जाएगा, बट अगर आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखी है तो 2 से 3 दिन का ही मिलने वाला है। और तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के मामले में इक्वल काम किया गया। मेन फीचर्स की बात हम करें तो यहाँ पे HR मॉनिटर तीनों में ही देखने को मिल जाता है, SP2 लेवल ऑप्शन भी मिल जाता है तीनों में ही। उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग बात करें और PAI असिस्टेंस सिस्टम आपको रेडमी या एमआई के बैंड 6 में मिल जाता है। कैलोरी बर्न, स्ट्रेस ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है तीनों ही बैंड्स में, तो यहाँ पे अच्छा काम किया गया तीनों ही बैंड्स के लिए। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, मेन फीचर्स में अच्छा काम किया गया तीनों ही बैंड्स के लिए। और आगे बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी तीनों में ही
इक्वल है, मतलब ये नहीं कहूँगा एल्युमिनियम केसिंग यूज़ करी गई, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है पूरा का पूरा तीनों ही बैंड्स में, और तीनों ही बैंड का जो वेट है वो अच्छा है, बट सबसे कम आपको MI बैंड 6 मिलता है क्योंकि यहाँ कैप्सूल फॉर्म में ही आता है और एच टू ए डिस्प्ले मिलती है। लुक एंड फील भी बैंड 6 का थोड़ा सा अच्छा लगता है मेरे को क्योंकि एच टू ए डिस्प्ले मिलती है तो प्रीमियम फील होता है, बट रेडमी का बैंड प्रो है वो भी बहुत प्रीमियम फील होता है। वन प्लस का बैंड थोड़ा सा ओल्ड फैशन आपको मिल जाता है क्योंकि एजेस इसकी जो बेजल्स हैं बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है तीनों ही बैंड्स में, तो स्किन फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया। जो डायल है वो और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट के मिल जाते हैं तीनों में ही। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप कोई भी बैंड या वॉच स्मार्ट वॉच चूज़ करते हो तो। सबसे कम जो प्राइस है वन प्लस के बैंड की पड़ती है 1500 से 2000 रुपीस के प्राइस ब्रैकेट में ही पड़ता है। रेडमी का बैंड प्रो कमिंग सून है अमेजोन पे, बहुत जल्दी सेल पे जाएगा ये, और 3000 मतलब 2999 रुपीज़ या 3499 रुपीज़ में जा सकता है सेल पे। और बैंड 6 की अगर मैं बात करूँ, अगर लो प्राइस में आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा, 2900 रुपये या आपको 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट के बीच में पड़ जाता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा तीनों ही बैंड्स के अगर लो प्राइस आपको लिंक चाहिए तो। यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगा है बैंड 6 MI का, क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है एच टू एच, कैप्सूल फॉर्म में है, थोड़ा सा छोटा भी है तो ये अच्छी बात है। और इस बार थोड़ा सा अच्छा काम किया गया, मैग्नेटिकली चार्ज हुआ था ये, ओवरऑल यहाँ पे अच्छा काम किया गया। और सेकेंडली मेरे को लगता है रेडमी का बैंड प्रो ये भी अच्छे है, ये आपको जो आपका कौन सा बैंड है ऑनर के बैंड 6 के लिए लग सकते हैं, तो ऑनर के बैंड 6 वर्सेज रेडमी का बैंड प्रो इसका मैं कंपैरिजन जरूर लेके आऊँगा आप सभी के लिए। और लास्टली आता है यहाँ पे वन प्लस का बैंड, क्योंकि वन प्लस का थोड़ा सा पीछे रह जाता है, यहाँ पे बेजल्स बहुत ज़्यादा मोटी है। तो वैसे हमारा एक डीप डाउन कंपैरिजन MI का बैंड 6 वर्सेस वन प्लस का बैंड वर्सेस रेडमी बैंड प्रो के लिए। अगर आपका क्वेरी इन तीनों बैंड्स के रिगार्डिंग रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।